हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ रूपल और मैं रहती हूँ जर्मनी में, और ये आपको पता है। तो हाँ, आज हम जा रहे हैं होली खेलने के लिए। यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे पास ही एक मंदिर है जो बहुत अच्छा और सुंदर मंदिर है। मैं आज आपको वो भी दिखाऊंगी, और मैं होली का वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि यहाँ पे हम होली कैसे खेलते हैं और कैसे खेलने वाले हैं। तो चलो मेरे साथ, मैं हो गई हूँ रेडी। आप देख ही सकते हैं, ये मैंने मेरा जैकेट वगैरह ले लिया है क्योंकि वेदर यहाँ का बहुत ही ख़राब है। तो देखते हैं, क्योंकि जर्मनी का वेदर कभी भी चेंज होता है, हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में आप बोल सकते हो। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं अभी थोड़ा सा लेट हूँ तो हम फटाफट से निकलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, जर्मनी का वेदर का हम कुछ बोल नहीं सकते। मैं जब घर में थी तो पूरा बारिश वाला मौसम था, और अभी आप देखिए धूप निकल गई है जस्ट 2 मिनट में ही। चलो जल्दी से, मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। मैं वो स्टॉप पे पहुंच चुकी हूँ। यहाँ से हमें बस मिलने वाली है, और यहाँ से बस आएंगे। सी, यहाँ पे ना एक अच्छी बात ये है ना कि बस के लिए जगह होती है खड़ी रहने के लिए, और ये यहाँ पे लिखा भी होता है बस, ऐसे करके सही है ना। ये देखिए, यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका है, और ये कितना अच्छा दिख रहा है ना, वाइट कलर का पूरा जो पेड़ है वो। और ये हम अभी बस में हैं, यहाँ के बसेस, और हम जाते हुए, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, सो नाइस है। और हम बहुत पास आ गए मंदिर के, और वेदर आप देख ही सकते हैं बहुत ही खराब हो चुका है। फिर बहुत हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और ये हम मंदिर के पास आ ही चुके हैं। तो जैसे कि हम सब चढ़ी जब दिखे गाँव में, अच्छा लगता है। पानी के ड्रम भर कर हर के घर हर घर के। हेलो, यहाँ पे ना हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं, और अपना टिकट ले रहे हैं और स्टैम्प लगवा रहे हैं। तो यहाँ मैंने भी स्टैम्प लगा लिया है, और फिर ना हम अंदर पहुँच चुके थे, और वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट करके रखी थी, जैसे कि जैकेट्स और शू और वो रखने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर में। तो आप देख ही सकते हैं, मंदिर इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुकून मिलता है यहाँ पे आने के बाद, बहुत अच्छा लगता है। सारे देवी देवता जो है वो एक लाइन में ऐसे रख दिए हैं इन्होंने, और बहुत अच्छे से, मतलब वहाँ पे सब सजाया है, डेकोरेशन वगैरह वो लोग करके रखते हैं। और मंदिर भी बड़ा अच्छा है, बहुत बड़ा, एक हॉल जैसे है, और उसमें ना इन लोगों ने मंदिर बनाया है, बट बहुत अच्छा मंदिर बनाया है। यहाँ पे एक शिवलिंग भी रखी थी, अगर आपको वहाँ पे दूध चढ़ाना है कुछ तो। फिर हम लोग ना नीचे आ गए थे, जहाँ पे खाने का और वो सब अरेंजमेंट था, जहाँ पे मेन फंक्शन होने वाला था बड़े हॉल में। तो यहाँ पे खाने के लिए हमने ये कूपन लिए थे, और वो कूपन लेके फिर यहाँ पे सब हम खा सकते थे। वहाँ पे पानी पूरी था, और फिर उसके बाद थी नूडल्स थे, फिर फ्राइज थे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, चाय थी, कॉफ़ी थी। और ये बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने अरेंजमेंट ये भी करा था, और खाने की चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। और मैं ये अपने लाइन में लग गई थी, मुझे वो स्प्रिंग रोल चाहिए थे तो मैं वो ले रही थी, और मुझे ना भूख लग गई थी तो मैं वेट ही कर रही थी कि कब मैं जाऊंगी और कुछ ना कुछ खाऊंगी। हमने नूडल्स लिए, पानी पूरी ली, फिर मैंने रोल भी लिए थे, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत टेस्टी थी। और आप देख सकते हैं कि हॉल में, मतलब चेयर वगैरह सब अच्छे से था, स्टेज बनाया था, और सब लोग ना अपना अपना खाने का मस्त इंजॉय कर रहे थे, और अक्षय भी अपना खाना एंजॉय कर रहा था। आप देख ही सकते हो कैसे खा रहा था वो। और उसके बाद यहाँ पे ना अभी फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, और देखिए एक लड़की, एक राधा और कृष्ण बन के आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था दोनों ने मिलके, और बाकी सब लोगों ने भी उनका डांस बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था। तो आप भी देखिए कितना अच्छा वो लोग डांस कर रहे थे। उसके बाद
यहाँ पे ना छोटे बच्चों ने भी डांस में पार्टिसिपेट लिया था, तो इतना अच्छा लग रहा था ना उनको देख के, और वो इतना प्यारा नाच रहे थे कि बस। और मुझे ना बच्चों का डांस इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत नाच लेती हूँ, तो मैंने भी पीछे बैठ के ऐसे ही टाइम पास किया। फिर उसके बाद ना गेम्स वगैरह स्टार्ट हुए, तो वहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे गेम खेले भी। उनके बाद ना जो जीता उनको तो उन्होंने गिफ्ट भी दिए, तो अच्छा था बहुत ये सब। और वेदर फिर से थोड़ा अच्छा हो गया था, इसलिए सब लोग बाहर आ गए थे होली खेलने के लिए, कलर्स खेलने के लिए, क्योंकि अगर अंदर हम कलर्स खेलते तो वो मंदिर भी थोड़ा खराब होता, इसलिए सब लोग बाहर आके मस्त कलर खेलने लगे और फिर इंजॉय करने लगे सब। अभी वहाँ पे अपने जो फ्रेंड्स थे, जो लोग हमें मिले थे, उनके साथ हमने होली खेली। फिर हम लोग फिर से नीचे, हम लोग होली तो खेल चुके थे, अब सबसे इम्पोर्टेंट अभी बारी थी डांस करने की, तो इसलिए फिर वहाँ पे ना डांस चालू हो गया था। और देखिए सब लोग बहुत वेट कर रहे थे कि कब म्यूज़िक चालू होगा, कब हम लोग नाचे, और बस वही सब लोग उसमें ही लग गए थे। और फिर आप देख ही सकते, हम लोगों ने भी वहाँ पे बहुत डांस किया बहुत, क्योंकि सारे लोग थे और गाने थे, तो मज़ा भी बहुत आ रहा था, और हमने भी बहुत वहाँ पे डांस किया। और फिर वहाँ पे ना मटकी फोड़ने का जो कार्यक्रम है वो चालू हो गया था। तो देखिए यहाँ पे ना छोटे लड़के जो कृष्णा बन के आए थे, उन्होंने वहाँ पे ना उन्होंने मटकी फोड़ी थी, तो बहुत मज़ा आया था। फिर और जो हम मटकी फोड़ के जो चॉकलेट्स और वो बांटे, तो वहाँ पे उन्होंने भी वैसे चॉकलेट्स और वो फेंके थे कि जिसके हाथ में आए वो कैच कर सकता है, तो हाँ बस वही था। और बहुत मज़ा आया ये सब देख के। और ये जो गाना है आप वो गेस कर ही सकते हो कि डांस देख के कि कौन सा गाना होगा। यस, जमाल कुडू, सबने बहुत डांस किया उस पे भी बहुत। इसी के साथ हम अभी जा रहे हैं घर, होली का प्रोग्राम होता है ख़त्म। और ये मंदिर है, मंदिर का साइट है ये। हाँ तो चलो फिर चलते हैं घर और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और बने रहिए।